खाने का हाल हो रहा है। आप तो जय हिंद कर रहे हैं और यहाँ तो ये पूरा हिंद महासागर बनाए हुए चलाओ इसको खाने को, क्या नाम है इसका? अरे ये तो बिल्कुल बदतमीज आदमी है आपका, यहाँ पे किसी का सर फूटा है हाथ टूटा है इसको बोलने की तमीज नहीं है, ये जब जनप्रतिनिधि से बोलने की तमीज नहीं रखता है तो ये क्या करेगा जनता के साथ? ये तो एसपी, ये तो डीजीपी से भी ज्यादा तेवर वाला। हम बोल रहे हैं हमारा तो देख रहे हैं तो ना, इसपे अभी लिखते हैं, इसपे तो कार्रवाई अभी हम लिखते हैं, इसको पता पता लगे। ऐसा ऐसा लेता है ना आप लोगों से मराठी परवारी बैठे हुए थे उनसे तो बोले कि ऐसे व्यवहार करता आपके यहाँ, ऊपर एप्लीकेशन नहीं देते, पूछे ना सर ऐसे बात किया है और मेरे पास सब साक्ष है, तुरंत ऐसे मेरा एक फोन बना गाड़ी था सर फसल भाई रूपा क्या कार्रवाई की अभी तक आपने कर लिया आवेदन? आपको सहयोग किया आपने किसी से लिखवा के दिया? अगर कोई यहाँ पे आके किसी के साथ दुर्घटना होगी, कोई स्कैम से इंजर्ड रहेगा, उसको लिखने नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? उसको भी लिखवा के लाओ, कहीं बैठे रहेंगे? यही काम है आपका? मौखिक बयान बोले कि आप उसको है। और ये तेवर कहाँ से आ गया? आपको मौखिक बयान दिए बताए जो हम पदाधिकारी दस्तु में बैठ हैं, उनको हम फोन करके बता देंगे क्या घटना है। आपको कोई नहीं तो करना है ना कोई वो होता है ये आवेदन होता है तो कहाँ हुआ? कितना देर से बैठे हैं आप? 2 घंटा से हो गया। सर एक साथ कैसे कैसे फोन कैसे बड़े बड़े अधिकारी जहाँ बैठे वहाँ पे है कि आप सबसे पहले तो तमीज से बात जो भी लोग आते हैं। सर एक साथ कैसे कैसे बोल रहे हैं देखा देखा कैसे इनका बयान आपने लिखना है कि नहीं लिखना? और आपका केस नहीं आवेदन लेकर आई इनका बयान लिखिए आप, इसको नहीं लिखने आता इंग्लिश और बड़े बड़े अधिकारी जहाँ बैठे वहाँ पे है कि आप सबसे पहले तो तमीज से बात जो भी लोग आते हैं। आप अगर कोई विक्टिम आया ना, मैं क्रिमिनल नहीं आया है, क्रिमिनल का तेवर, क्रिमिनल के साथ आपका तेवर और जो आहत है जो प्रताड़ित है दोनों में तेवर अगर आपका एक जैसा होगा तो प्रताड़ित आदमी ये भी नहीं करेगा। यहाँ क्या करने हैं? कुछ युवाएं मौजूद थे उसके बाद हम उनको इलाज कराने का अगर ऐसे ही बोल रहे होते अभी आंख निकाल के जो बाहर बोल रहे थे तो इतना तो आवाज हमको भी नहीं करना पड़ता। किस मद में है महसूस कीजिए जो बिहार के बोल रहे हैं? आप किस मद में बताइए? आप एक बहुत छोटे पदाधिकारी, बहुत ही छोटे और नौकर हैं। हाँ नौकर हैं हम लोग, जनता के नौकर हैं हम भी, जनता के नौकर समझ गए ना? अरे बात सुनिए क्या है, क्या सुबोध बाबू का उनको दिजवा दीजिए। हाँ सुबोध क्या हुआ आपको?
देखिए तो क्या है, लीजिए प्रोटेक्शन ले लीजिए, ठीक है इसको समझ गया ना, अब आ गया देख लीजिए तब ले लीजिए प्रोटेक्शन में ले लीजिए, हो सकता है बोल रही है कुछ गलतियाँ हो जाएगी तब, अगर कुछ इसके साथ अगर इन लोगों के साथ में कुछ गलत हुआ तो गवाह तो मैं बनूंगा आपके खिलाफ सीधा सीधा, कोई दुर्घटना हुई है तो इसके जिम्मेदार आप। तेवर से बात करते हो, कैसे तेवर आ गया, जब जनप्रतिनिधि से विधायक से तुम इस तेवर से बात कर रहे हो, जनता से क्या करते हो, डर से कोई घुसेगा नहीं आवेदन लेने के लिए, आप देने के लिए बातें कैसे नहीं है बात, बातें नहीं है अभी वो बोला कि रिसीविंग दीजिए, आप क्यों नहीं रिसीविंग देंगे आवेदन का, आवेदन का रिसीविंग क्यों नहीं देंगे, जांच तो अदालत जांच के बाद कार्रवाई होगी ना, इसने आवेदन दिया रिसीविंग क्यों नहीं दोगे, व्यवहार आपका रहेगा तो कह गया कंप्लेन करने, कौन सी व्यवहार क्या आपका क्या बोली भाषा कैसे बोल रहे हैं, कैसे बोलते हैं कैसे बोल रहे हैं आप, क्या बोले हैं क्या बोले, आपको हम नहीं दिया रिसीविंग मिलेगा क्या काम है यहाँ पर, क्या ड्यूटी दिया गया, क्या ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है पता है आपकी ड्यूटी सब पता है, मिला तो एसपी को फोन सर सब यहाँ पे लफंगों को रख दिया यहाँ पर और जनता के साथ ऐसा कर रहा है, एंट्री कीजिए इसको एंट्री कीजिए, बोलने चलने का तमीज नहीं बताया, जानते हैं अपनी हैसियत जानते हैं है? क्या है विवेक जी क्या है यहाँ पे, आप नौकर हैं जनता के, जनता से आपको तमीज से बात करनी है, नहीं मेरे सामने गलत बात कर रहे हो, उन्होंने पूछेगा सर बात किया धमका रहे लोग, ये नहीं जाएंगे वो नहीं जाएंगे, बात किया जाए विवेक जी, क्या विवेक जी क्या खाने का हाल हो रहा है, आप तो जय हिंद कर रहे हैं और यहाँ तो ये पूरा हिंद महासागर बना हुए इसको खाने को, क्या नाम है इसका, अरे ये तो बिल्कुल बदतमीज आदमी है आपका, यहाँ पे किसी का सर फूटा है हाथ टूटा है इसको बोलेंगे।